प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी एन एडवोकेट इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे डिटेल में विथ नोट्स एंड विथ केस लॉ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, राइट। चलिए, तो क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी एन एडवोकेट, अगर एक पर्सन एडवोकेट बनना चाहता है तो उसे कौन कौन से क्वालिफिकेशंस फुलफिल करने होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसे फुलफिल करना होगा। एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 22 और सेक्शन 24 डील करता है क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी एन एडवोकेट, राइट। सेक्शन 24 क्या कहता है, पर्सन हु विशेस टू बी एन एडवोकेट मस्ट पॉजेस दीज फीचर्स या मस्ट पॉजेस दीज रिक्वायरमेंट्स। तो सेक्शन 24 कहता है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 24 कहता है, पर्सन हु विशेस टू बी एन एडवोकेट must fulfill these conditions, उसे इन conditions को fulfill करना होगा। और section 22 certificate of enrollment के बारे में बात करता है, certificate of enrollment। तो एक बार अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट रिसीव कर लेते हो तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि यू आर एन एडवोकेट, राइट। तो सेक्शन 24 में वो सभी कंडीशंस दिए गए हैं जिन्हें अगर एक पर्सन फुलफिल करता है तो वो एडवोकेट बन सकता है। चलिए उन कंडीशंस को हम समझ लेते हैं, सेक्शन 24, उसके बाद हम सेक्शन 22 से डील करेंगे। देखो, सबसे पहला कंडीशन, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो यहां पे मस्ट वर्ड नहीं यूज किया गया है, यहां पे इज वर्ड यूज किया गया है, राइट। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर एक पर्सन किसी दूसरे नेशन का सिटीजन है और उसने अपने नेशन में लीगल एजुकेशन ले रखा है और वो इंडिया में आकर एडवोकेसी करना चाहता है तो वो कर सकता है। सेम इसके वॉइस वर्सा, अगर एक पर्सन इंडियन सिटीजन है और इंडिया में लीगल एजुकेशन ले रखा है और वो अब्रॉड जाके किसी अदर नेशन में जाके एडवोकेसी करना चाहता है तो वो कर सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन दीज टू नेशंस, ये टोटली डिपेंड करता है, उन दोनों नेशंस के बीच म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इज वर्ड का यूज़ किया गया, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्सेप्शन लिख लो, national of any other country, a national of any other country may admit himself as an advocate on any state role
ऑफ इंडिया, या सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज ड्यूली क्वालिफाइड, हु इज ड्यूली क्वालिफाइड एज एन एडवोकेट, is permitted to practice law in that country जैसे इंडिया और यूके के बीच ऐसा म्यूचुअल अग्रीमेंट है, इंडिया कनाडा के बीच म्यूचुअल अग्रीमेंट है, क्योंकि हमारे लॉज जो हैं वो बहुत हद तक सिमिलर हैं इंग्लैंड के लॉज से। तो अगर दो नेशंस के बीच म्यूचुअल अग्रीमेंट है, राइट, तो एक दूसरे के नेशन में आकर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा क्या है एसेंशियल एलिमेंट, हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 21 इयर्स ऑफ एज। तो ये पहला एसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल रिक्वायरमेंट। दूसरा लिख लो, दूसरा लिख लो, हु हैज कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज, यानी एडवोकेसी करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 इयर्स होना चाहिए। तीसरा एजुकेशन पैटर्न को देखते हैं हम, एजुकेशन अगर हम इंडियन एजुकेशन को देखें, इंडियन एजुकेशन, राइट, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके बाद आप 3 इयर्स रेगुलर लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ग्रेजुएशन प्लस थ्री ईयर रेगुलर LLB, राइट, या 10+2 के बाद आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हो, ठीक है, या आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले रखी है तो उस फॉरेन यूनिवर्सिटी के लॉ की डिग्री का जो रिकग्निशन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव करता हो, राइट। तो इन केस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, सच यूनिवर्सिटी नीडेड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961, ठीक है। चौथा क्या है, ही शुड पे एनरोलमेंट फीस, उसे एनरोलमेंट फीस पे करना है जो भी होगा, ही शुड पे एनरोलमेंट फीस। पांचवा, मस्ट फुलफिल एनी अदर कंडीशन इफ मेंशन बाय स्टेट बार काउंसिल, अगर स्टेट बार काउंसिल कोई फर्दर कंडीशन इम्पोज करता है तो आपको वो कंडीशन फुलफिल करना होगा, मस्ट फुलफिल एनी अदर कंडीशन इफ इम्पोज बाई स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। अब देखो यहां पे कोई अपर एज ऑफ एनरोलमेंट नहीं है, मिनिमम 21 इयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम एज फॉर एडवोकेसी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं,
अब हम आते हैं सेक्शन 22 जो कि सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट के बारे में बात करता है। देखो, अगर एक पर्सन ये सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड टू बी एन एडवोकेट, स्टेट बार काउंसिल शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। स्टेट बार काउंसिल क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इशू करेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उन सभी पर्सन्स को, टू एवरी पर्सन्स हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन रोल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन्ड बाय इट अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। राइट, तो अगर एक पर्सन ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इशू करेगा उन सभी पर्सन्स को जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल के स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स में मेंशन होगा। अच्छा, वो सभी पर्सन्स जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल के रोल ऑफ एडवोकेट में मेंशन कर दिया गया है उन्हें नोटिफाई किया जाएगा कि अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, जैसे परमानेंट रेजिडेंस में आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, तो आप विद इन 90 डेज चेंजेस करा सकते हो। ठीक है, जिस समय आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इशू होगा उस दिन से लेकर के विद इन 90 डेज आप उन चेंजेस को करा सकते हो, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। राइट, तो ये है सेक्शन 22 सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। चलो सेक्शन 22 सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। सेक्शन 22 सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। पहला, आफ्टर कंप्लीटिंग All requirements needed to be an advocate, State Bar Council shall issue Certificate of Enrollment. In short, COE, Certificate of Enrollment in prescribed form. Right? To every person's whose name has been entered In role of advocates maintained by State Bar Council SBC। Right, तो पहला क्या है, after completing all requirements which are needed to be an advocate, State Bar Council shall issue certificate of enrollment in prescribed form to every person whose name has been entered in roll of advocates maintained by State Bar Council। Dusra, every person whose name is so entered in state roll shall notify
शैल नोटिफाई, उन्हें नोटिफाई किया जाएगा, शैल नोटिफाई एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस टू द स्टेट पार्क काउंसिल SBC within 90 days, within 90 days, right? चलिए अब हम एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं. देखिए केस है हमारा थॉमस पीसी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि एक प्रीस्ट यानी एक पुजारी में एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट, अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करा सकता है क्योंकि वर्शिपिंग गॉड, पूजा करना इज नॉट अ फुल टाइम कोर्स, ये एक फुल टाइम कोर्स नहीं है. देखो अपने इनिशियल लेक्चर्स में जब हमने कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स को देखा था तो हमने ये जाना कि एक एडवोकेट ड्यूरिंग हिज एडवोकेसी किसी अदर बिजनेस या किसी अदर ट्रेड या किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता है, यानी वो फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, वो अपने आप को किसी दूसरे बिजनेस किसी दूसरे ट्रेड में इंगेज नहीं कर सकता है, लीगल प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के साथ साथ. अगर एक पुजारी जिसने जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हमने सेक्शन 24 में डिस्कस किया था वो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स वो फुलफिल करता है, शो करता है, तो पूजा करने के साथ साथ वो अपने आप को एनरोल करा सकता है एज एन एडवोकेट और प्रैक्टिस कर सकता है. क्यों? क्योंकि वर्शिपिंग गॉड इज नॉट अ फुल टाइम कोर्स, ये क्या है, फुल टाइम कोर्स नहीं है, राइट. तो यही था हमारा केस थॉमस पीसी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. चलो लिख लो थॉमस पीसी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ प्रीस्ट मे एनरोल हिमसेल्फ, अ प्रीस्ट मे enroll himself as an advocate, a priest may enroll himself as an advocate because worshipping God is not a full-time course, ye full-time course nahi. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के इस वीडियो में हमने क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी एन एडवोकेट को डिटेल में समझा और एंड में हमने एक केस लॉ भी डिस्कस किया. तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. Thank you. Have a nice day.